उत्तर प्रदेश में आज तक 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी, हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें लेकर के उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है।